अस्सलाम वालेकुम। तो हाय गाइस, कैसे आप लोग? रखे हम एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, मेरी एनोनिमस की पब्लिक। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे, मज़े में होंगे, जाओगे खुश होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। सबसे पहले भाई, मैं आपको सस्ती शायरी सुनाना चाहूँगा, अगर हंसी आए तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबा देना। मेरी एनोनिमस की पब्लिक फर्ज किया है कि मैंने कहा उससे कि तुमसे मिलना है, उसने कहा आ जाओ घर के नीचे। वाह 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 वाह। मैंने कहा उससे कि तुमसे मिलना है, उसने कहा आ जाओ घर के नीचे। वाह 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 वाह। जैसे ही मैं गया उसकी गली में, लग गए कुत्ते पीछे। सस्ती शायरी विद अनोनीमस बाबा जी। तो ठोको लाइक बटन मेरी अनोनीमस की पब्लिक। अगर आप हंसी हो, मुस्कुराहट आई है आपके चैनल पे, लॉल, अगर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई है तो ठोक दो, दबा दो, फोड़ दो लाइक बटन मेरी अनोनीमस की पब्लिक। भैया नया एक सूट आया था, उसका बड़ा ही मुश्किल सा नाम है, तो हमने डिसाइड किया कि इसको ओपन किया जाए। हमारे पास पब्लिक हैं यहाँ पे 60,000 UC, अल्हम्दुलिल्लाह। तो होपफुली हमें एक सूट मिल जाएगा। इसको लेवल 6 करना पड़ेगा, और ऑलरेडी जब हमने 11X सूट ओपन किया था तो उसके जो सामान बचे हुए थे वो भी हमारे काम आने वाले हैं। तो भाई देखते हैं, देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा कच्चे के लिए होगा। 3 सूट हैं, फेरो, रेवेनेक्स और ये वाला मुश्किल से नाम वाला पॉइजडॉन एक्स सूट, ऐसा कुछ करके इसका नाम है। तो आप में से जिसका कोई भी, जो भी फेवरेट हो, नाम कमेंट कर देना। जो फेरो एक्स सूट था वो मुझे इतना पसंद नहीं आया था, क्योंकि वो लाइक फेरोन के ऊपर बनाया गया था, और रेवेनेक्स सूट फिर भी मेरा फेवरेट रहेगा इन तीनों में, आएंगे सर। ये सूट मुझे लाइक रेवन का अलग ही लेवल है भाई, तो वो सूट मुझे ज़्यादा पसंद आया था। खैर, आपको कौन सा सूट पसंद आया पब्लिक मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। 60,000 UC है, तो आज हम लोग सिर्फ ये करने वाले हैं कि ओपन करके देखेंगे कि हमारा लक कैसा है। काफ़ी शाइनी शाइनी, काफ़ी मज़े का लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा रेवन एक्स सूट से मिलता जुलता है, ज़्यादा नहीं, पर कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ये उस सूट से मिलता है। बाकी आप देख सकते हो उसमें बाकी सूट भी हैं, काफ़ी ज़्यादा, येलो वाला, वाइट वाला, ये रेड वाला और दूसरे वाला, ये एक्स्ट्रा सूट भी मिल रहे हैं। और अगर आपको कोई ज़्यादा ही अमीर बाप के बच्चे हो भाई, हैं आप, मम्मी डैडी हो आपके, आपको ज़्यादा यूसी है, तो आप गिफ्ट भी कर सकते हो अपने लोगों को बाबा जी। तो यहाँ पे इसकी जो कैप वगैरह है वो अलग से निकलने वाली है, तो मतलब ओके, ये इसी का है ना? आई डोंट थिंक सो। नहीं, ये अलग ही है, ये तो क्या मछली वछली हो रही है? नहीं, ये इसका ही है। मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ भाई, आपको क्या दिखाऊंगा मैं खुद ही, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा पब्लिक। बाकी मैं सेकेंड चैनल पर स्ट्रीमिंग का थोड़ा बहुत इश्यू चल रहा था, वो हमने सॉल्व कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी मैं सेकेंड चैनल पर आके आप लोग के लिए लेके आता रहूँगा लाइव स्ट्रीम वगैरह, तो अब उसे भी सब्सक्राइब कर लेना भाई, सर्च करके अनोनिमस 360। हमारे कब से 6 लाख होने वाले हैं, हो ही नहीं रहे, तो जिस जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बेशक वो लाइव स्ट्रीम नहीं देखता यार, जाके सब्सक्राइब कर दो कि हमारे 6 लाख हो जाएं। वो हुए नहीं अभी तक, काफ़ी टाइम से अटके में हमारे 6 लाख पब्लिक। यहाँ पे अब इसके जो इमोट्स हैं वो भी काफ़ी वैसे मज़े मज़े के हैं। मुझे जो लाइक आरपी आती है, जो सबसे पहली चीज़ मैं देखता हूँ वो इमोट ही होते हैं। आप लोग ऐसा करते हो या नहीं करते मुझे कमेंट में ज़रूर बताना मेरी अनोनिमस की पब्लिक। अच्छा जी, बात ऐसे है कि देखिए, मैं थोड़ी सी आप लोगों से गपशप भी लगानी है, तो हम लोग स्टार्ट भी करेंगे इसको, और थोड़ी जो डीप मैंने पर्सनल बात करनी है आपसे, मैं वो भी करूँगा पब्लिक। आपको पता है कि शुरू में मैं बहुत ज़्यादा खेला मोबाइल पे, और काफ़ी टाइम तक खेलता रहा, फिर ज़्यादा खेलने की वजह से आई स्कैश होने लगा, मैं आईपैड पर शिफ्ट किया, बहुत टाइम आईपैड पर खेला, लेकिन फिर आप लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से मैं दोबारा मोबाइल पर शिफ्ट हुआ था, और मैं खेल रहा था, कॉम्पिटिटिव वगैरह भी खेला, टूर्नामेंट्स खेला, PMC खेला टीम के साथ, लेकिन डेफिनेटली आई एम नॉट अ गुड मोबाइल प्लेयर। हालांकि मैं खेलता हूँ समटाइम, परमानेंट प्लेयर नहीं हूँ मैं, मतलब इतना अच्छा नहीं खेलता, लेकिन थोड़ा बहुत, मतलब आप खुद सोचो, एक आईपैड प्लेयर मोबाइल पे खेलेगा, या जो मोबाइल पे खेलता नहीं है वो मोबाइल पे खेलेगा, या आप किसी डिवाइस पे नहीं खेलते आप उस पर जाके खेलो, आपकी गेम कैसे होगी? तो फिर भी मैंने ट्राई किया, और हमारी टीम आई गेस फाइनल्स में जा चुकी है, वो टीम ही खेलेगी, मैं नहीं खेल पा रहा। मेरा ना मतलब स्ट्रेस पहले ही दिमाग पे इतना होता है, अलग अलग टेंशन, अपने काम की टेंशन, और बंदा थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तो भाई मैं थोड़ा सा वीडियोस पर फोकस करूँगा, थोड़ा अपने आप को टेंशन से निकालूंगा, वरना मेरा दिमाग ना एकदम खड़बड़ हुई है, दिमाग की बड़ा ख़राब हुआ है पब्लिक। और ऊपर से लाइक एक चीज़ मैंने और नोट की, आपको पता है पब्लिक, जो लोग आपको पसंद नहीं करते ना, आप कुछ भी कर लो उनके लिए, कुछ भी कर लो यार, वो कभी भी आपसे खुश नहीं होंगे। आप अपने, मतलब आपके भी इर्द गिर्द सर्कल में कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा, या कोई ना कोई ऐसे लोग होंगे जिनको आप खुश करने की हमेशा कोशिश करते हो, बेशक वो आपका दोस्त हो, बेशक आपका कोई कज़न हो, रिश्तेदार हो, आपके फैमिली मेम्बर्स हों, या आपके पेरेंट्स के कोई रिश्तेदार हों जिनसे उनकी अनबन रहती हो, लेकिन आपके पेरेंट्स ट्राई करते हो यार कि इनसे हमारा ठीक हो जाए, पर फिर से वो लोग वही काम करते हों या उनसे ठीक ना हो पाता हो। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन है, आप अगर लोगों को खुश करने जाओगे पब्लिक, आप खुद टूट जाओगे, आप खुद
मतलब हिम्मत हार जाओगे लेकिन लोगों को खुश नहीं कर पाओगे। तो मैं भी यही कोशिश करता था कि यार सबको खुश रखूं, लेकिन मैं एक इंसान हूं, गुनाहगार हूं, मैं कैसे सबको खुश रख सकता हूं? तो आई डोंट थिंक सो कि मैं रख पाऊंगा। तो इसलिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दिमाग अभी मेरा थोड़ा पिलपिला हो चुका है और सही से सब चीज़ें मतलब नहीं जा रही। तो थोड़ा सा रेस्ट लूँगा खुद को और इंशाल्लाह फिर से थोड़ा सा मतलब कोशिश करेंगे कि एनर्जी के साथ वापस आएँ। तो ऐसा सीन था, मौका नहीं मिल रहा था आप लोगों से बातचीत करने का। हमेशा बस यही है कि हेलो अस्सलाम वालेकुम, दम 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 लगे मैं फजूल में बस वीडियो बनाए चले गए। जैसे मैं अक्सर आप लोगों से बातें करता हूँ, दिल की बातें शेयर करता हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा था। तो मेरा बड़ा दिल था कि मैं पब्लिक से बात करूँ और बात करके बताऊँ कि पब्लिक, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, कोई भी, मैं अपना सिर्फ अपना नहीं बोलूँगा, कोई भी यूट्यूबर है ना, कोई भी यूट्यूबर है वो मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब ज़रूर होगा, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है, मैं आपको बताता हूँ। इंसान जो है वो जब तक मतलब आपने नोट किया होगा, हम पहले के ज़माने में उम्र जो होती थी, लोगों की एज होती थी, इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी एजेस होती थी, कई 100 साल की उम्र भी आई, फिर 100+ भी आई और अब कम होती होती, ऐसा होता है। आज के टाइम में तो ऐसा होता है कि चलता फिरता इंसान दुनिया से चला जाता है, पता नहीं चलता हार्ट अटैक से या ऐसे वैसे। तो उसका रीज़न यही है कि हमने ना मतलब एक तो हमारे इर्द गिर्द खाने की चीज़ें जो ओरिजिनल होती थी पहले वो नहीं है, हम लोग चलते फिरते नहीं हैं। अब मेरा क्या सीन है, मैं भी बस इसी चीज़ में लगा रहता हूँ, ना अपनी सेहत का ख्याल रखता हूँ ना कुछ, बस काम काम काम, ना चलेंगे ना फिरेंगे ना कुछ। तो इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा थक जाता है, मेंटली तौर पे थक जाता है। वो सारे यूट्यूबर्स के साथ यही सीन होता है कि वो मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। और इंसान की फितरत है कि उसको 10 लोग उसकी तारीफ करेंगे ना, वो इंसान उनकी बात नहीं सुनेगा। एक बंदा उसको बुरा बोलेगा ना, इंसान उस बुरे वाले की बात को फौरन सुन लेगा और उसको अपने दिमाग पे हावी कर लेगा। तो ये इंसान की फितरत है, सिर्फ मेरी नहीं है, सिर्फ आपकी नहीं। आपको अगर 10 बंदे आपकी तारीफ करेंगे, आप उनको इग्नोर करोगे किसी बात पे, और अगर वो एक बंदा आपको गाली देगा ना, आप उसको इग्नोर नहीं कर पाओगे। तो ऐसे बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो जाता है मेरा भी, क्योंकि बस ये फील्ड ही ऐसी है और मैं लगा रहता हूँ, बस लगा रहता हूँ। और फिर ना चलने फिरने की वजह से, सेहत का ख्याल ना रखने की वजह से और ज़्यादा तबीयत डाउन हो जाती है। तो सम टाइम बहुत ज़्यादा मैं मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो जाता हूँ, लेकिन फिर बस आप लोगों से गपशप लगा के कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाए। और जो नेगेटिव लोग होते हैं उनको इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ, पॉजिटिव होते हैं उनको मैं मतलब उनकी तरफ फोकस करने की कोशिश करता हूँ। पब्लिक आपको पता है, अब मेरे पास इतने ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं, लोग मुझे गालियाँ दे रहे होते हैं, मैं बस उठा के ना सेव करके रख लेता हूँ कि यार ठीक है तुमने दे दी, सही है, सेव कर लेता हूँ बस। लेकिन कभी कभी ना इतना दिमाग ख़राब होता है, मेरा भी दिल करता है यार वो ऐसा कर रहा है, मैं भी ऐसा करूँ, मैं उसको जवाब दूँ, बुरा लगता है, दिल दुखता है कि यार ऐसा क्यों, मतलब अगर मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा तो सामने वाला मुझे क्यों कुछ कह रहा है। तो मेरा भी दिल करता है कि मैं उसको जवाब दूँ, लेकिन फिर मेरे माइंड में आता है कि यार कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं, मैं उनको रिप्लाई देने के लिए खुद को क्यों ख़राब करूँ। फिर मुझे आप लोगों का ख्याल आता है कि जो लाखों लोग मुझे सपोर्ट करते हैं मेरे नेचर की वजह से, मेरे गालियाँ नहीं देने की वजह से, मेरा लाइक सब्र वाला इंसान होने की वजह से मुझे जो लाखों लोग पसंद करते हैं, मैं उनका क्यों दिल दिखाऊं कुछ ऐसे लोगों की वजह से जो मतलब शायद मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं, या फिर जानबूझ के अटेंशन लेने की, या फिर फेम लेने की कोशिश में ऐसा करते हैं। और सिर्फ ये मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे साथ होता है, ये दुनिया में बहुत लोगों के साथ होता है। जो लोग क्रिकेट खेलते हैं उनको लाइक बाहर की आवाम बोल रही होती है ये तेरा वो, उल्टा सीधा लगे होते हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब ये चीज़ हर जगह आम है। दूसरी चीज़, मैंने एक और सीन हुआ था तो मैंने उस पर भी बात नहीं की। अब यहाँ पे सूट वूट ओपन हो रहा, सामान निकल रहा, तो आप लोग देखते भी रहो, बातें भी चलती रहेंगी। दूसरी चीज़ पब्लिक ये हुई थी रिसेंटली, ये जो अभी लाहौर वाला सीन हुआ था, फिर आपने देखा, मैं इस पर क्यों कुछ नहीं बोला क्योंकि मुझे भी मतलब देखते समझ नहीं आती, कन्फ्यूजन हो रही थी। उसके बाद एक वीडियो आती है, एक चिंची में मेरी बहन जा रही होती है, तो एक लड़का आता है उनको किस करके भाग जाता है। अब मैं ऐसे टॉपिक में खुद कुछ नहीं बोलता क्योंकि मेरी बहुत सी पब्लिक बच्चे हैं, तो उनको क्या, उनके दिमाग में क्या जाएगा अगर मैं कुछ ऐसी चीज़ें बोलने लगा। तो मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन बोलना मेरा फर्ज भी है क्योंकि मैं एक प्लेटफॉर्म पर हूँ। हमारा ना लाइक माहौल ऐसा हो गया, अब गलती दोनों की मैं कहूँगा यहाँ पर कि उन दोनों की थी, लड़की की भी और लड़के की भी, और साथ में आसपास मौजूद रहने वाले लोगों की भी। लड़की की क्यों, क्योंकि हम कहते हैं कि मतलब हमारा मुल्क है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान,
एटलीस्ट हमें अपनी तरफ से ना लिबास ऐसा रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल वो मेरी प्यारी बहन अगर बुरके में होती, नकाब क्या होता, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई ऐसे आके उनको कुछ कर जाता। और दूसरा कि हमें ना डर नहीं रहा अल्लाह पाक का बिल्कुल भी, दिलों में बिल्कुल भी नहीं रहा। मैं सिर्फ लोगों का नहीं कह रहा, अपना भी कह रहा हूँ कि मैं भी बहुत से कामों में ऐसा हूँ कि वाकई हम भूल जाते हैं कि हमने अपनी अपनी कब्र में जाना है। तो कहीं पे ऐसा कुछ हो, बहुत सोच समझ के आप लोग भी पॉजिटिव लोगों को सपोर्ट किया करो, ठीक है। किसी के साथ गलत हुआ, आपको लग रहा है गलत हुआ, आप उसको सपोर्ट करो। किसी के साथ आपको लग रहा है जैसे ही, आप उसको सपोर्ट करो। कोई बुरा इंसान है तो आप उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कुछ भी जो आपसे हो सकता है, बेशक आप एक छोटे बच्चे हो, आपसे जो हो सकता है आप करो। मतलब हम लोग छोटी छोटी चीज़ों से ही अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपने मुल्क को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमने रहना है, हमारे बाद हमारी औलाद ने रहना है, उनके बाद उनकी औलाद ने रहना है। हम जैसा यहाँ पे छोड़ के जाएंगे माहौल, वो उनमें ही आके रहेंगे। तो हमें बस थोड़ा सा ना खुद को बदलना है, सबसे पहले खुद को बदलने की ज़रूरत है, उसके बाद हम लाइक कोई भी चीज़ बदल सकते हैं। तो ऐसे दिल हो रहा था गपशप लगाने का, अब मैं इसमें क्या बोलता, ये निकल गया वो निकल गया, नहीं यार। तो मैंने ऐसे फोकस किया, थोड़ा सा गपशप लगा ली पब्लिक से। चलें पब्लिक, अभी थोड़ा सा गेम की तरफ चलेंगे, बहुत गपशप हो गई, बहुत बातें हो गई दिल की। हेलो लॉल पब्लिक, लाइट जा चुकी है तो मुझे अब बिना माइक के वॉइस ओवर करना पड़ेगा, तो आपको आवाज़ थोड़ी सी चेंज नज़र आएगी। एक और चीज़, अब थोड़े गेम के अपनी फील्ड की तरफ आते हैं, एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि बहुत टाइम हो चुका है लाइक हम पबजी कर रहे हैं, तो आपके एनोनिमस ने बहुत कुछ प्लान किया आप लोगों के लिए। हम क्या करेंगे, कुछ पीसी गेम्स ट्राई करेंगे, कुछ नया ट्राई करेंगे, जिससे मतलब मेन चैनल पे नहीं करेंगे, यहाँ हमारा पबजी कंटेंट ही आएगा, लेकिन हम सेकंड चैनल पे ना लाइक पीसी गेम्स और वो सब ट्राई करेंगे, ताकि थोड़ा सा दिल भी लगा रहे, नई चीज़ हो, आपको भी मज़ा आए। और उसके अलावा आप जो मुझे सजेस्ट करो, सजेस्ट मेरी इंग्लिश ना अटक जाती है, मेरी ज़ुबान कहती है इंग्लिश ना बोल दूँ, आप जो भी सजेस्ट करोगे हाँ, तो मैं वही गेम खेलने की ट्राई करूँगा। आप GTA 5 बोलोगे, GTA 5 है, जो भी लाइव बोलेंगे लाइव आके खेल लिया करेंगे, तो थोड़ा दिल लगा रहेगा, थोड़ी नई चीज़ें होंगी, और इंशाल्लाह जल्दी आपको रूम टूर भी करवाएंगे। तो काफ़ी 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 ज़्यादा कंटेंट आप लोग के लिए जमा करके रखा हुआ है मेरी एनोनिमस की पब्लिक। खैर, हमारे पास 60,000 UC थे भाई, जैसे जैसे हमने यूज़ करना शुरू किया, ढेर लगा हुआ था UC का, अब तकरीबन आधे रह चुके हैं। अब मैं मार यहाँ पे कहाँ खा रहा था, जो सिल्वर वाला कॉइन है वो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन जो येलो वाले हैं वो निकल भी नहीं रहे थे, और उनको रिडीम करने में मेरे जो अभी ये सिक्के आ रहे हैं ये सारे ज़ाया हो रहे थे। तो मैं यहाँ काफ़ी मार खा रहा था पब्लिक, और ये में हमारा आप कह सकते हो एक माइनस पॉइंट जा रहा था। बाकी ये हेडवेड निकले जा रहे थे सामान, और इतने ज़्यादा इमोट्स निकले जा रहे थे, रिडीम होकर इनके कॉइन्स बने जा रहे थे। अब देख सकते हो, अब 2000 के आसपास कॉइन्स होने वाले हैं मेरे, और अभी तक हमें कोई इतनी ख़ास इतनी अच्छी चीज़ निकली नहीं है, जैसे कि कोई दोबारा मतलब नहीं अच्छी चीज़ तो सब निकल गई लॉल। लेकिन पब्लिक हमें ना वो येलो वाले पॉइंट्स नहीं मिल रहे, और जो कॉइन्स मिलने की स्पीड है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा येलो कॉइन्स जमा कर सकें। अब देखो, 1000 में एक सूट आ जाता, 2000 कर लिए इसको मैक्स करने के चक्कर में ना सारे UC ज़ाया हुए जा रहे हैं, सारे UC हाथ से जमा जाए जा रहे हैं, लेकिन मजा आ ले भाई कोई अच्छी चीज़ निकले बाबा जी। पब्लिक उसके अलावा आप लोग मुझे ये भी सजेस्ट करो कि चैनल पे आप क्या देखना चाहते हो। इसके कमेंट्स में मतलब फजूल के जो होंगे ना भाई के दुआ मिलेगी सब्सक्राइब कर दो, ऐसे चैनल कमेंट्स मैं डिलीट कर दूंगा पब्लिक जो भाई, लेकिन वो सारे टॉप पे आ जाते हैं, जो पब्लिक बातें कर रही होती है, जो पब्लिक ने दिल से कॉमेंट किया होता है वो नीचे चला जाता है। और ये भाई आपकी अम्मी को जन्नत नसीब हो, लाइक कर दो, ऐसे कॉमेंट टॉप पे आ रहे होते हैं, तो मैं सबसे पहले ऐसे कॉमेंट्स को बैन करूँगा इस वीडियो के नीचे, और उसके अलावा फिर मैं आपके कमेंट्स रीड करके देखूंगा कि आप मुझे क्या मशवरा दे रहे हो। आप लोग मुझे बताओ कि आप लाइक क्या देखना चाहते हो, क्योंकि बहुत टाइम से पब्लिक हम जिस स्क्वाड रश, स्क्वाड क्लासिक, स्क्वाड रश, स्क्वाड क्लासिक यही चला जा रहा है हमारा, और इससे ना ये मतलब काफ़ी मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा सा बोरिंग सी हो गई है हमारा ना, मैं बोर सा हो गया हूँ थोड़ा सा सेम चीज़ करके। तो क्या आप मुझे सोलो में गेम प्लेस बनाते देखना पसंद करोगे कि मैं सोलो खेल रहा हूँ? सोलो में हम क्या करेंगे, हम कमांडो चैलेंज कर सकते हैं। अब पता है मैं क्यों नहीं करता वो, मुझे लगता है डर कि मैं मतलब पुश करूँ रैंक उसमें, और उस रैंक पुश करने के बाद मैं सीरीज़ बनाना स्टार्ट करूँ, सीरीज़ में 50 एपिसोड्स होंगे, डेफिनेटली 50 मैचेस होंगे। वो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 2-3 मैचेस एक गेम प्ले में डाल सकते हैं,
लेकिन मतलब रिस्पॉन्स ना इतनी मेहनत करने के बाद, तो वो मेहनत के बाद जो एक डर होता है ना कि यार फेल वाला सीन हो जाएगा, क्योंकि दुनिया भाई सोलो स्क्वाड खेल रही होती है, हम सोलो खेल के कमांडो कर रहे हैं, तो एक डर सा है कि ये ना हो कि हम मतलब बैकफुट पे आ जाएं, तो इसलिए मैं नहीं कर पा रहा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा ट्राई करना मुझे कमेंट में बताने की कि अगर मैं ये चीज़ करूँ तो आप मतलब पसंद करोगे, अगर नहीं, अगर करोगे तब भी बताना, और अगर नहीं करोगे तो आप मुझे ये बता सकते हो कि मैं और क्या करूँ, लाइक और कोई मैप ट्राई करूँ ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर सोलो स्क्वाड की गेम प्ले इतनी इम्प्रूव करूँ, ये भी एक ऑप्शन है, ठीक है, सोलो स्क्वाड की गेम प्ले इतनी इम्प्रूव करूँ कि सोलो स्क्वाड सिर्फ खेलूँ और वो आपको देखने में मज़ा आए, मतलब अपना गेम प्ले इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाऊँ, स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाऊँ। जो रियल पब्लिक है ना भाई, मैं कमेंट बहुत मिस कर दूंगा, 3-4 हज़ार कमेंट्स होंगे, सब रीड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे स्टोरी में टैग करके ना अपने सजेशंस, अपने मशवरे दे सकते हो पब्लिक, जिससे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो भाई ये एक ओपनिंग वीडियो भी थी, और उसके अलावा मैंने गपशप भी बहुत लगाई, जिसका मुझे मज़ा भी आया, वरना मैं क्या पब्लिक सच में दिल से ना होता वो, अगर मैं कुछ करता लाइक लगा हुआ भाई ये निकल रहा है वो निकल रहा है, मज़ा ना आता, दिल से कोई चीज़ ना होती, तो वीडियो की वीडियो हो गई, ओपनिंग में आपको नज़र भी आ रहा है हो क्या रहा है, और फिर बात की बात हो गई पब्लिक से, लाइट आ गई मेरी, लेकिन अभी मेरा दिल नहीं है कि मैं माइक ऑन करके दोबारा से रिकॉर्डिंग करने बैठ जाऊँ। तो पब्लिक आप लोग मुझे गाइड करोगे, रियल पब्लिक जो मतलब दिल से देखती है वीडियोस का, वेट करती है कि मैं क्या करूं, मैं अगर आप मुझे कमांडो का अभी भी बोलोगे ना, ऑनेस्टली मैं कल से रैंक करके ट्राई करना स्टार्ट कर दूंगा। अगर आप बोलोगे नहीं मुबीन भाई अपना गेम प्ले इम्प्रूव करो, लाइक नेक्स्ट लेवल लेके जाओ कि जब आप स्क्वाड को खाओ तो पता भी ना चले कि क्या हुआ, मैं वो भी करने के लिए रेडी हूँ। अभी आप देख सकते हो हम फिर से वही स्टार फ्रेगमेंट जो है वो रिडीम करके कोशिश कर रहे हैं कि हमारा सूट जितना ऊपर जा सके चला जाए, लेकिन हमारे यूसी जो हैं उनका बेड़ा गर्क हो चुका है, टू बी ऑनेस्ट सिर्फ 10,000 रह गए। तो अभी मैं ट्राई कर रहा था कि भाई पहले जितना ज़्यादा, अब मुझे लग रहा था कि 10,000 में नहीं हो पाएगा, तो मैं देख रहा था कि भाई पहले ना हम इसको करते हैं लेवल 4। ओके ये देखो 230, कितना ज़्यादा यूसी लगाने के बाद 230 किए हमने, अब 310 करने पड़ेंगे, और दूसरे तो हमारे पास हैं, मतलब 9 चाहिए, 22 हैं हमारे पास वो, लेकिन ये 310 करने में ना बेड़ा गर्क हो जाएगा। अभी हमारे पास इतने ज़्यादा हैं भी नहीं, ये देखो अभी हमने कितने किए रिडीम, जितने 1800 पड़े हैं हमारे पास, नहीं 1600 कुछ, अब 1600 कुछ में हमने 160 तकरीबन ये स्टार फ्रेगमेंट निकाल लिए, और हमें डबल चाहिए तकरीबन, हाँ जी डबल चाहिए हमें लेवल 5 करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी इसको ओपन करना स्टार्ट किया। तो इस वीडियो के बाद पब्लिक काफ़ी बातें हो गई होंगी, तो आप मुझे गाइड कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियोस आपके मशवरे पे आपकी सजेशन से ही आएगी, और तब तक लाइक एक दिन होगा मेरे पास भी वो कंटेंट बनाने के लिए, या मेहनत करके लाइक थोड़ा बहुत अपनी गेम इम्प्रूव करने के लिए, तो थोड़ा सा कुछ डिफरेंट हो गया यार, आपको देखने में मज़ा आए और मुझे वो चीज़ करने में, वो चीज़ बनाने में, वो उसमें मज़ा आए, तो आप प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, ज़रूर 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 मुझे बताइएगा, ठीक है। बहुत से लोग तो मतलब वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, पूरी नहीं देखते, बहुत सी पब्लिक ऐसी होती है जो जिन्होंने शुरू में देखना स्टार्ट किया था और अब वो क्या करती है, सिर्फ लाइक करके वीडियो बंद कर देते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी मेरे दिल और जान के, मेरे मतलब मेरी दिल की जो गहराइयों में रहती है मेरी एनोनिमस की पब्लिक, दिल से प्यार करने वाले, वो भाई एंड तक देखते ही रहते हैं, तो ऐसे लोगों से ही गपशप हो रही है फ़िलहाल। आप लोग प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है, कि क्या करना चाहिए, मैं इंशाल्लाह वैसा ही करने की ट्राई करूँगा। अब तकरीबन वीडियो भी एंडिंग की तरफ है हमारी, सिर्फ 1900 यूसी रह गए, जिसमें मुझे नहीं लगता कि हम इतना ज़्यादा गोल्डन वो जो है वो जमा कर पाएंगे स्टार फ्रेगमेंट, और आप कह सकते हो कि हमारी ओपनिंग पे यहाँ पे फुल स्टॉप लगने वाला है। ये लो भाई यूसी हो गए ख़त्म। अगर अब हम जाते हैं रिडीम की तरफ, और ये आप देख सकते हो 2400 कुछ बचे हैं हमारे पास सिल्वर फ्रेगमेंट, ये जो सिक्के होते हैं, ठीक है। अब ये अगर हम इसको करते हैं कलेक्ट, तो ये कितने बनते हैं, लेट्स सी, तकरीबन 263 बन रहे हैं पब्लिक, ये आई गेस, ओके क्या पता हमारा एक और लेवल अप हो जाए, 263 बन रहे हैं ये, नहीं 246 के आसपास बने, हाँ जी 246 के आसपास बने, और हमें चाहिए थे 310, और ये हैं 293, मतलब अभी हम थोड़ा सा पीछे हैं और लेवल 5 होने से रह गया है हमारा, तो बड़े दिल की गहराइयों में जाके दर्द हुआ कि पूरे नहीं कर पाए हम,
बाकी खैर पब्लिक वीडियो कैसी लगी प्लीज़ माफ़ कर देना, अगर कोई बात बुरी लगी हो अच्छी लगी तो से प्यार करते रहना, सपोर्ट करते रहना, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। बड़े दिनों के आपसे दुरूद पाक पढ़ने का नहीं बोला, अपने अपने सवाब के लिए एक बार भाई दुरूद पाक पढ़ लेना और वीडियो ख़त्म होने के बाद। बाकी पब्लिक दिल से लव यू, गपशप करके बहुत मज़ा आया, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, दिल से लव यू मेरी एनोनिमस की पब्लिक, आप सबको गिली चुम बहुत ज़्यादा प्यार, अल्लाह हाफिज़।